रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यार इस आशी ने ना मेरी जान खा रखी। उस आशी को तो मैं तेरी जिंदगी से यूं निकाल फेंकूंगा और इसी बहाने मैं अपनी प्यास भी बुझा लूंगा। कौन है तुम? मेरा रास्ता छोड़। आशी अभी तक घर नहीं आई, हमें तो बहुत फिक्र हो रही है। बाबा अब तक तो आशी का फोन रिंग हो रहा था, अब तो स्विच ऑफ आ रहा है। और दो परमिशन बाहर जाके काम करने की। आशी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही? बड़ी बात तुमने हमसे कैसे छुपा दी? तुझे उसका चेहरा याद है? हम अभी पुलिस के पास जाते हैं। क्या हुआ है नकुल? शायद आशी ने मेरा चेहरा देख लिया। क्या? तुम मरवाओगे क्या नकुल? फेस कवर नहीं करके गए थे क्या? ओ गॉड, अगर आशी ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है ना तो तुम्हारे हाथ से तो विद्या जाएगी जाएगी। सिट के घर वाले मेरी और सिट की शादी भी कैंसिल करवा देंगे। कौन चाहेगा ऐसे बदमाश भाई की बहन उनके घर की बहू बने? फिर मेरा क्या होगा यार? सिट के बिना रहने का तो दूर, उसके बिना मैं जीने का सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मेरा प्यार छिन जाएगा मुझसे। और अगर मेरा सिट मुझसे दूर हुआ ना तो मैं बता रही हूँ नकुल, तुम्हारी खैरनी है। तूने देखा ना उसे? हम पुलिस के पास जाकर सब कंप्लेंट कर देंगे। तूने उसका चेहरा देखा ना? आशी बता ना, तूने उसका चेहरा देखा कि नहीं? कैसे बताएं हम तुमको? हमने उसका चेहरा नहीं देखा है, उसने अपना चेहरा पूरा ढक के रखा हुआ था। क्या, तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा? आशी हमें अभी बाबा के पास जाना होगा, बाबा को सब बता देंगे, बाबा फिर उस लड़के को ढूंढ निकालेंगे। चल तू मेरे साथ। निधि नहीं, तुम रुक जा। ठीक, हमें बात को समझने की कोशिश कर। बाबा काकी बहुत परेशान है, तुझे पता है ना कॉलेज में जो सब कुछ हुआ। आशी पर ये हम ठीक है। निधि आप अब ये सब कुछ पता चला ना उन्हें वो बहुत बहुत दुखी होंगे। मत कर निधि, और तुझको पता है ना परसों विद्या की मंगनी है। काम कर रहे हैं, वो परेशान। मुझे पता है ये सबके पीछे कौन है। ये सबके पीछे ना उस सिड़ की गलती है। तुम उसके शोरूम में काम करती हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर इतने लेट नाइट अपनी फीमेल स्टाफ को छोड़ रहा है तो देखे कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, ठीक से घर जा रही है नहीं। हम अभी उसको कॉल करते हैं। निधि आशी अब तक घर पहुंच गई होगी, कॉल करके बता दो कि पर्स मेरे पास है। ये अननोन नंबर से किसका कॉल हो सकता है? हेलो मैंने क्या किया? लापरवाही। आशी तुम्हारे शोरूम में काम करती है, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है कि उसको अकेले घर नहीं भेजना चाहिए? कॉलेज में तो बड़ा अमतिया बनकर भरते हो लड़कियों के बीच में, हीरो बनते हो, सबको प्रोटेक्ट करते हो, सबकी केयर करते हो। और जो लड़की तुम्हारे शोरूम में काम करती हो उसके लिए तो तुम्हें कुछ नहीं लगता है, उसको अकेला घर भेज देते हो तुम। अरे शांत हो जाओ, पहले ये तो बताओ मैंने किया क्या है। आशी जब शोरूम से घर जा रही थी तब किसी ने उसके साथ छेड़खानी कर दी। क्या, कौन था वो? आशी उसका चेहरा ही नहीं देख पाई। रात बहुत हो गई है, अकेले जाना सेफ नहीं है, अब मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सेठ तुम आशी की चिंता मत करो, मेरा मतलब मैं आशी के घर की तरफ से ही जा रही हूँ तो मैं आशी को ड्रॉप कर दूंगी। सेठ सेठ क्यों फोन कर रहा है मुझे? गीत फोन क्यों नहीं उठा रही है? सिर्फ मुझे बार बार क्यों फोन कर रहा है? कहीं आशी ने उसे सब बता तो नहीं दिया?
मुझे पूरा यकीन है कि आशी ने अब तक सिड को सब बता दिया होगा। और अगर आशी ने गलती से भी तेरा नाम ले लिया ना, क्या करूं मैं अब? नकुल, अगर आशी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो तेरा सारा कांड पकड़ा जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी? मेरा सिड भी मेरे हाथ से चला जाएगा। कहीं पुलिस तो नहीं? शांत हो जाओ, अब वहां कोने में जाके छुप जा। सेठ, तुम यहाँ? कॉल नहीं पिक करोगी तो घर ही आना पड़ेगा ना। तो मेरा फोन साइलेंट पे था, कोई काम था तुम्हें? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? जब तुम्हें जिम्मेदारी निभानी नहीं आती तो लेती क्यों? मैंने तुम्हें क्या कहा था? आशी को घर पर ड्रॉप करके आना, और तुमने क्या किया? आशी को बीच सड़क पर अकेला छोड़ दिया। ओ कम ऑन सेठ, मैंने आशी को उसके घर के पास वाली रोड पे छोड़ा है। उसका घर वहां से बहुत पास है, और इतना तो वो वॉक करके जा सकती है। तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें आइडिया भी है क्या हुआ आशी के साथ? किसी ने उस पर अटैक किया, छेड़खानी की उसके साथ। कुछ भी गीत, तुम्हें ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था। उसे बीच सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए था। हे भगवान, आशी ठीक तो है ना? कैसी है वो? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम सही कह रहे हो सेठ, मुझे आशी को उसके घर छोड़ना चाहिए था। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हाँ, बेचारी आशी पे क्या बीत रही होगी ना, मैं समझ सकती हूँ सर। जब एक लड़की के साथ ऐसा होता है तो उस पर क्या बीतती है। बट सर, सच में मुझे नहीं पता था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। ठीक है, ऐसा पूछ लो। आशी ने देखा कि ये सब किसने किया था? मतलब मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर देख लिया होता तो हम पुलिस कंप्लेन करा सकते हैं ना। नहीं, वो उस आदमी ने अपना चेहरा ढका हुआ था। थैंक गॉड, बच गए। मेरा लॉकेट, कहीं वो वहीं तो नहीं गिर गया? थैंक गॉड। क्या? थैंक गॉड कि आशी सही है। मतलब आजकल लोगों की सोच तो इतनी गिर गई है कि कहीं अकेली लड़की देखी तो नियत फिसल जाती है। लड़कियां सेफ है ही कहां से? भगवान जाने बेचारी आशी पे किसने अटैक किया है। वो जो भी है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पता तो मैं करके रहूंगा। अरे तू इतनी जल्दी में कहां निकल रहा है? मेरा वो लॉकेट शायद वो हाथापाई में वहीं गिर गया। इससे पहले कि वो किसी को मिले मैं जाके ढूंढ लेता हूँ। नकुल अपना लॉकेट भूल गया, ग्रेट, क्योंकि अब तो सिड भी इस मामले में इन्वॉल्व है। अब तो सब कोई आफत ना खड़ी हो जाए और ये नकुल ना पकड़ा जाए। यहीं कहीं होना चाहिए, यहीं पर तो आशी को मैंने कहाँ गई? चेन आशी के बैग में तो नहीं चली गई?
कोई आ रहा है। ए, रुक। बच के निकल गया, लेकिन है कौन वो जो आशी के पीछे इस तरह पड़ा है, जो बार बार आशी पर अटैक कर रहा है। पहले बाहर अटैक किया, आज घर में घुस गया। मुझे आशी से बात करनी होगी, शायद उसे कुछ पता हो तो मुझे हिंट मिल जाए। लेकिन इस वक्त उसके घर जाना मेरा ठीक नहीं होगा, लेकिन उसको यहाँ अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता। वो अटैकर दोबारा आ गया तो नहीं नहीं नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता, यही वेट करता हूँ। गीत आराम से जल रहा। क्या बच्चों की तरह चिल्ला रहे हो तुम? हाँ, एक काम तो सही से होता नहीं है। पहले तो लॉकेट गिरा के आ गए, और जब लॉकेट लेने गए तो मार खा के आ गए। तुम मेरी छोड़ो, अपनी देखो। तुम आराम से लग रही है मुझे। तुम्हारा वो सीट वो इतनी रात को आज के घर के बाहर क्या कर रहा था? यही बात ना मुझे भी सता रही है। मुझे समझ नहीं आता कि आशी ने सिर्फ ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि उसको आशी के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता है। मेरी अभी भी चेन उस आशी के बैग में है, अगर वो किसी और को मिल गई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं करती हूँ कुछ, तुम चिंता मत करो। आशी? जी बाबा। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ बाबा ठीक है। तो आज ऑफिस क्यों जा रही है? छुट्टी कर ले, आराम कर। नहीं बाबा, अभी शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो ऑलरेडी बहुत वक्त हमने कल की। अरे नहीं नहीं नहीं, आराम से क्या करती है, हाथ जल जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे कोई छुट्टी मारे। हाँ क्या हुआ? नहीं मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी निधि किचन से चल के आ रही है। बाबा आप भी ना, हम कुछ अच्छा भी करें ना, आप हमारा मजाक ही उड़ाते हो। हम तो पिद्दी के लिए, आशी के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आए थे, तो ठीक है ना, गर्मा गर्म दूध पी, आराम मिल जाएगा। दीदी तू हमारा कितना ध्यान रखती है ना, थैंक यू। राम जी तेरी हर विश पूरी करे। हम कितना भी तुम्हारा ख्याल रख ले, लेकिन तुम्हारे मुकाबले ना कमी है। तुम जितना इस घर का ख्याल रखती हो ना, उसका आधा भी हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाते। बचपन से ही तूने हमें संभाला है, इस पूरे घर को संभाला है, तू इसलिए इतना तो कर ही सकते। निधि ये हमारा घर भी है ना, हमारे घर की खुशी में हमारी खुशी है, सब कुछ जो हमारा आप लोग। सुबह सुबह इनका हम साथ साथ चालू हो गया। ओ गॉड, विद्या दी आपको तो रिंकल्स आ गए। ओ गॉश, कहाँ इतना जल्दी रहोगी ना, जल्दी आ जाएंगे। निधि तू ना मुझसे फालतू बातें मत किया कर। अरे गौरी दवाई देना। ले बेटा ये दवाई रख, पेन के लिए रे, पेन लो, खा लेना। हाँ थैंक यू बाबा। निधि पकड़।
वॉलेट कहाँ गया? आपको देर हो रही है, हम अभी आपका नाश्ता बना लाते। काकी वो हमने पनीर और गोभी की सब्जी बना दी है और साथ में रात के पराठे भी है। कतई जहर, हमारा परिवार बचा हुआ और बासी खाना खाएगा? इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हारी। कितनी बार समझाया है तुम्हें, हमें अपने परिवार का ख्याल रखना आता है, तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत दिखाओ कि तुम्हें हमारे परिवार की बहुत चिंता है। काकी हमने कल के लिए छुट्टी ले ली है, आप प्लीज परेशान मत होइए। अच्छी तुम्हें देर हो रही होगी ऑफिस जाने के लिए, मैं चलता तुम्हारे साथ। तू कहाँ जा रही है? हम तुम्हारी रक्षा करने आ रहे हैं। तुम्हारा बॉडी गार्ड बनकर चलो, हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। तुम जाओ काकी के साथ रुको। नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे साथ ही चलेंगे, कहीं वो वापस आ गया तो। पागल है क्यों? हम तुम्हारे कुछ नहीं सुनेंगे, हम तुम्हें शोरूम छोड़ेंगे और फिर हम कॉलेज जाएंगे, ठीक है? तुम अभी आ जाओ। मेरी माँ, चलो बाबा को पहुंचाने दे। हाँ जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अच्छा बाबा हम जरा वॉलेट भूल गए, आप चलिए हम वॉलेट लेके आते हैं, ठीक है? आप चलिए जल्दी आना। क्या कर रहा? ओ हेलो सिड, सिड उठो, सिड, सिड काका एक कॉफी है। कॉफी? ओ हेलो काका, और कॉफी तुम्हारे घर मिलेगी, अब तो हम है यहाँ निधि। बाय द वे तुम इतनी सुबह गाड़ी में यहाँ आकर क्यों सो रहे थे? एक मिनट, कहीं तुम पूरी रात तो यहाँ नहीं सो रहे थे? कहीं तुम आशी का पीछा तो नहीं कर रहे थे? ओ हेलो, मैं किसी का पीछा विशा नहीं कर रहा। फिर? तुमने कहा था ना मेरा स्टाफ मेरी जिम्मेदारी है, तो बस आशी को ही सॉरी बोलने आया था। ओ, तो तुम एक्चुअली पूरी रात यहाँ पर थे सिर्फ आशी को सॉरी बोलने के लिए? बताना सच सच। अभी कुछ मत बोलना उसके सामने। निधि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो रात को वो तुम अपना पर्स कल ऑफिस में ही भूल गई थी, तो बस मैं अभी अभी वही देने के लिए आया। एक सेकेंड। हाँ झूठे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कुछ नहीं। पता नहीं क्या करते रहे तुम, रात भर से हम ये वॉलेट घर पे ढूंढ रहे थे और ये किस स्टोर में पड़ा हुआ है। अरे बात बताओ, हम तो अभी स्टोर में आ रहे थे, बेकार में यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया? तो तुम्हें ऑटो के लिए पैसे चाहिए होंगे ना, इसलिए मैं देने आ गई। तुमने हमारा पर्स चेक किया? नहीं नहीं, मुझे लगा बस। बाबा भी हमें दे देते पैसे, उसके लिए तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी। खैर सॉरी, थैंक यू। और निधि चले? हाँ मैं शोरूम ही जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। नहीं कोई बात नहीं सिड, हम निधि के साथ जाते हैं ना, चल निधि। आराम से, अरे पैर में मोच आ गई, आउच। दीदी तेरा ध्यान कहाँ रहता है, पूरे टाइम दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। रुक संभाल, हम अभी बाबा को कॉल करते हैं। नहीं 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 नहीं, बाबा को मत फोन करना, वो क्या है ना, तुम है ना दीदी, उस पैर में लगी है। तुम ना सिड के साथ चली जाना, और छोड़ दो, हमें दोनों ही पैरों में लगी है। जाओ 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 जाओ, प्लीज 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 सिड के साथ जाना तुम। दीदी यार आशी, तुम्हारे पैरों में चोट लगी, हम आराम कर लेंगे ना, हम सच में तुम्हें छोड़ने आते थे, पर अभी सिड जा रहा है स्टोर, तो तुम जाओ ना उसके साथ। सिड के साथ प्लीज जाओ 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 जाओ, बैठो बैठो। अरे तुम क्या देख रहे हो, बैठ जाओ तुम। हाँ। जल्दी से निधि की बच्ची। अब आशी सेफ है, जब तक सिड आशी के साथ है ना, तो डरने की क्या बात है। क्या हुआ आशी? सॉरी सॉरी।
चोट कैसे लगी आशी? कुछ नहीं, तुम गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। दिल बहार कुल्फी, दिल बहार कुल्फी। पता है, सर्दियों में ना कुल्फी खाने का मजा ही कुछ और होता है। आशी को कुल्फी खिलाता हूँ, इसका मूड फ्रेश हो जाएगा। क्या हुआ, जहाँ पे गाड़ी क्यों रुक दी? मुझे कुल्फी खानी है। सिर्फ इतनी सुबह सुबह कौन कुल्फी खाता है? मैं खाता हूँ, और वैसे भी सुबह सुबह कुल्फी खाने का मजा ही कुछ और है। लो दिलबहार कुल्फी। भैया तो कुल्फी देना मावा मलाई। सिन, एक काम, तुम कुल्फी खाओ, हमें देर हो रही है, हम शोरूम जा रहे हैं। ये लो। आशी कैसी हो? हम ठीक है। घर पर ही हो ना? हम शोरूम पे ही है। एक बार नकुल का लॉकेट मेरे हाथ लग जाए फिर मैं तुम्हें सिट से बहुत दूर कर दूंगी। तुमने मेरा सुख चैन छीन लिया है, मेरे ही सिट को मुझसे दूर करना चाहती हो। पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी मैडम। कुछ भी हो जाए उसे लेकर ही जाओ।